شرقت نفسي بنور من فؤادي. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوني ولا تتبعوا سبلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. معزز و محترم برادران اسلام, پردانشین خواتین کا ہر اتوار होने वाले इस्लामिक इस नशिस्त में इस्लामिक तरीक़े से इस्तकबाल करता हूँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. अल्लाह सुबहाना व ताला की सलामती, रहमत व बरकत आप तमाम लोगों पे हो. तमाम तारीफ़ें लायक व ज़ेबा है अल्लाह सुबहाना व ताला अकेले के लिए जिसने हम सबको पैदा किया. अल्लाह वो ज़ात है जो हमें आज ज़िंदा रखा, और अल्लाह ही हमें यहाँ पर जोड़ा है. अल्लाह ही वो ज़ात है जो हमें मौत देगा और फिर हमें खबरों में ले जाता है और खबरों से उठाता है. और अल्लाह ताला ने जिन जिन नियामतों के ज़रिए से हमें इस दुनिया में नवाजा है, सब के ऊपर सवाल करता है, और जो इसमें कामयाब होते हैं अल्लाह सुबहान ताला उन्हें अपने रहमतों वाली जगह जन्नत में दाखिल कर देता है, और जो नाकाम रह गए उन्हें जहन्नम में फेंक देता है. ये तमाम ताकत रखने वाला अल्लाह अकेला है. उस अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ हमद सना है. बेशुमार दरुद सलाम हो ख़त्म नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. अल्लाह ताला का बेमतहा फजल हुआ, करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें बार बार ऐसे महफिलों का हिस्सा बनाया जिसके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है. आज का जो उन्वान ऐलान किया गया था, शहादत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि सिलसिलावार अभी चलते आ रहा है, ये एक तारीख का सिलसिला है. इसमें अहादीस भी होंगे और इस्लामिक हिस्ट्री भी जुड़ा हुआ है. अब आप लोग कहेंगे कि ये चीज़ हमें क्या हमारे आखिरत से मिलाता है या आखिरत में कोई फ़ायदा होने वाला है? तो बिल्कुल, ज़ाहिरी तौर पे हमारा आखिरत, अगरचे हम हमारे दादा परदादा के बारे में इलम ना भी रखें तो हमारा आखिरत बिगड़ने वाला नहीं है. वैसे भी हमारे आमाल अच्छे रहेंगे तो इंशाल्लाह हमें जन्नत मिलेंगी. ना ही वह हमारे दादा के करतूतों के ताल्लुक से पूछा जाएगा, ना ही हमें हमारे खानदान और नस्ल और नसब के ताल्लुक से पूछा जाएगा. लेकिन हर मुसलमान के ऊपर यह फर्ज है कि वो दीन का इल्म सीखे. दीन किस तरह से फैलते हुए आया है इसका भी इल्म रखे. यह हर मुसलमान के ऊपर फर्ज किया गया. इसीलिए इस्लामिक तारीख जो कि असहाबे किराम रिजवानुल्लाहु अन्हुम अजमाइन से जुड़ी हुई है, ये भी चंद चीज़ें चंद बातें हमें सीखना समझना ज़रूरी है, ताकि हमारे हिस्ट्री को, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री को, खिलाफत को हम समझ सकें, मुमलिकियत को हम समझ सकें, और इसी तरह से हम हमारे नामे आमाल को सुधार सकें. क्योंकि जो हदीस मैंने आपके सामने तिलावत करी थी वो सुनन अबी दाऊद की हदीस है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन, तुम्हें मेरी सुन्नत को अमल करना है और मेरे खुलफाए राशिदीन की तरीक़े के ऊपर भी आपको अमल करना है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वो तमाम अक़वाल हैं जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कह दी थी, और वो तमाम आमाल हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, और वो तमाम काम जिस पे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की. ये तीन चीज़ें, ये तीन आमाल, ये तीन फ़आल हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है. इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, तुम खुलफाए राशिदीन में से अगरचे किसी का तरीक़ा है तो वो उसको भी आप ले लो, उस पर अमल करो, कोई हर्ज नहीं, ये भी आपके लिए जायज़ होगा और ये भी आपके लिए सवाब होगा. आज हम जो इनवान रखे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत,
ये भी हजरत अली खुलफाए राशिदीन में से चौथे राशिद खलीफा थे, मुसलमानों के अमीर थे, मुसलमानों के लीडर थे, दुनिया भर के मुसलमानों के लीडर थे। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी का मुस्लिम लीडर बन गया, नहीं, बल्कि पूरे दुनिया भर के मुसलमानों के आप रजी अल्लाह ताला अन्हु लीडर थे। अगरचे हम हिस्ट्री की तरफ देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबी दाऊद जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 4630, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे बाद 30 साल की खिलाफत रहेंगी। बोले 30 साल की खिलाफत रहेगी, 30 ईयर्स बताएं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जब मेरा उमर शहीद होगा वहां से फितने इस उम्मत में बरपा होना शुरू होंगे। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से बात आती है, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 12.5 साल तक कोई फितना नहीं। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इंतकाल कर गए तो तब से फितने जो है तारी होना शुरू हो गए। और हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में पूरे के पूरे हर तरफ से जो है फितने टूट पड़े। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बड़े बड़े फितने टूट पड़े, जिसका जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अहादीस में बता चुके हैं। तो मैं आपको आज हजरत उस्मान के ताल्लुक से नहीं, इंशाअल्लाह मेरा नेक्स्ट संडे का लेक्चर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत और शहादत के ताल्लुक से होंगी। आज मैं जो उन्वान रखा हूं वो हजरत अली की शहादत। इससे पहले कि मैं इस उन्वान पे आऊं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मनाकिब के ताल्लुक से हम उनकी फजीलत के ताल्लुक से चंद बातें हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले बचपन ही की उम्र में सिर्फ 8 साल की उम्र बताई जाती है। जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुआ था तब अबू बकर ने ईमान नहीं लाया, अभी अबू बकर ईमान वाले नहीं हुए, जब अभी उमर फारूक को भी इसका इलम नहीं था, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाते हैं। सबसे अव्वल ईमान लाने वाले 10 अफराद के अंदर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी एक थे, जब इनका उम्र सिर्फ 8 साल की थी, इनकी उम्र सिर्फ 8 साल की उम्र थी। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा इस्लाम में बहुत बुजुर्गाना मर्तबा है। इस्लाम के बुजुर्ग कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बुजुर्ग। बाद में कौन हजरत अली का मर्तबा दे सकती? इस्लाम में सबसे जल्दी इस्लाम में आ गए से लोगों में से हजरत अली पहले वन ऑफ द 4 मेंबर्स में थे। सुभान अल्लाह। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो सबसे पहले ईमान लाई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनके जौजा, बाद में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो कितना करीब है देखिए इसमें। फिर जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु, फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो बहुत लंबे वक्फे के बाद, बहुत देर बाद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाया। लेकिन हजरत अली सबसे पहले ईमान लाने वाले थे, तो इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम मर्तबा इस्लाम में बहुत बुजुर्गाना मर्तबा है, याद रखिए इस चीज को। लेकिन क्या जैसे कि शिया हजरात जैसे कि इल्जाम लगाते हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक और उस्मान गनी के ऊपर के हजरत अली का मकाम मर्तबा बड़ा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली को खलीफा बनना था, लेकिन इस बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रद्द करते हैं। और इससे पहले के लेक्चर में भी मैं उन अहादीस के ऊपर रोशनी डाल चुका हूं। बहरहाल हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से जब बात आती है तो समझना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंतकाल कर रहे थे तो इनके बाद मकाम मर्तबे में जो लोग थे वही अमीर होना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बशारत सुनाए थे, अबू बकर के ताल्लुक से बशारत थी कि वो खलीफा बनेगा, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत थी वो भी खलीफा बनेगा। आप अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब की ताबीर बताते हुए यूं कहा, सुबह सवेरे जब भी फजर की नमाज होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ मुतवज्जा होते हैं और अपने ख्वाब की ताबीर बताते हैं। वो खुद पहले उनकी ख्वाब की ताबीर बताते हैं और दीगर असहाबे किराम अगरचे वो ख्वाब देखते हैं तो उसकी भी ताबीर एक्सप्लेनेशन देते हैं।
ख्वाब का एक्सप्लेनेशन दे दें। सलाम वक्त के रसूल थे, खातमन नबीन भी थे, तो आप ताबीर बताते थे। आपने एक ताबीर बताई ख्वाब की जो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से और हजरत अबू बकर के ताल्लुक से थी। मैंने ख्वाब में देखा एक बूढ़ा शख्स आया और बावली से पानी निकाला, उसका बगोना बहुत छोटा था और जो उसके अंदर डाला उस बगोने में बहुत कम पानी वो बावली से निकाल सका, एक बताए। दूसरा मैंने देखा कि दूसरा शख्स उसके बाद जो आया वो हट्टा खट्टा था, अच्छा ताकत वाला था, जब वो पानी के अंदर बाउली के अंदर उसका बगोना को डालता है तो उसका बगोना का साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। देखिए बताते हैं ख्वाब की तबीयत, साइज भी बढ़ जाता और उससे निकलने वाला पानी भी बहुत ज्यादा पैमाने में आता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके ताल्लुक से मैं, एक बूढ़ा आदमी जिसका बगुना छोटा था, जिसके अंदर से जो बहुत कम पानी बाउली से निकाला, वो मेरा अबू बकर था, वो मेरे अबू बकर की खिलाफत का वक्त था, जो पानी उसने निकाली वो मेरे अबू बकर का खिलाफत का वक्त है। मतलब उनके बगुने में बहुत कम पानी आया तो उनका खिलाफत का उम्र भी बहुत कम रहती। कौन बोले? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। क्लियर। नंबर टू, उसके बाद जिसके जिक्र मैंने की थी, जो हट्टा कट्टा होगा, ऊंचा होगा, ताकत वाला होगा, वो मेरा उमर होगा। जो बावली से बहुत ज्यादा पैमाने में पानी निकालता है यानी उसके खिलाफत का वक्त भी बहुत ज्यादा होगा। तो उमर फारूक के ताल्लुक से इतनी बात बताई गई। मैं इंशाल्लाह उनके ताल्लुक से, उनकी शहादत के ताल्लुक से मैं जब आऊंगा तो इंशाल्लाह उनके ताल्लुक से और भी मनाफे बताने की कोशिश करूंगा। तो इन दोनों के ताल्लुक से ये अमीर होने वाले हैं बोलिए बता दिए। और सही बुखारी हदीस नंबर 5666 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से फरमाते, आयशा आप अपने वालिद को बुलाओ, अपने भाई को बुलाओ, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ वसीयत करना चाहता हूं। इसके अंदर वसीयत यह थी कि मैं अबू बकर को मेरे बाद खलीफा बनाना चाहता हूं। और आप जानते हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का मर्तबा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह जिंदा है लेकिन मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे अबू बकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी में वक्त का रसूल मौजूद है लेकिन नमाज कौन पढ़ा रहा है? ईशा की नमाज अबू बकर पढ़ा रहे हैं। हजरत बिलाल आवाज लगाते हैं, या रसूल अल्लाह कद अकामत सला, नमाज के लिए जमात खड़ी हो गई। कद अकामत सला, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से जो है सामने से पर्दा हटाते हैं और बिलाल को हुक्म करते हैं कि ए बिलाल अबू बकर को बुलाओ। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है बुलाया जाता और वो इशा की नमाज पढ़ाते। वक्त के रसूल के दौर में, वक्त के रसूल हैं, अभी इंतकाल नहीं हुए हैं, लेकिन इमाम कौन बने? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बने। इससे ये भी जाहिर होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अबू बकर को खलीफा बनाना चाहते थे। इनके दीगर मनाकिब भी जो है इंशाल्लाह मैं आगे बताता चलूंगा। तो जो शिया वाले जो इल्जाम लगाते हैं अबू बकर उमर ने खामखा खिलाफत को खींच लिया, असल में हजरत अली को था वो आने का, ऐसा बोलते हैं ना, उनका जवाब अहादीस की रोशनी में होगी बात। दूसरी बात, शियाओं में एक तबका ऐसा भी है, एक ग्रुप ऐसा भी है जो ये कहते हैं कि जिब्राइल ने नाउज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह मिन जालिक, जिब्राइल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेके गई जो कि वही हजरत अली के पास असल में आने की थी। बोलने वाले, ये ईमान रखने वाले, ये बद अकीदे रखने वाले चंद लोग भी आज भी जिंदा हैं। कहीं आएंगे जो ये दावा करेंगे कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं, बोलके कितने लोग आते बोले हैं? 30। अब कौन कौन बोलता कि उसकी गिनती वो लिस्ट में लगा लो, 30 बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो दोनों आए, मुसैलमा कज़्ज़ाब बोल के एक था और आज हनीफ, शकील बिन हनीफ का फितना फिर एक आया, आज शकील बिन हनीफ बोल के फिर एक निकला, उसका भी फितना है। मुसलमाना के ऊपर तो फितने ही फितने टूट पड़ते हैं। इसी दौर के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई, जो शख्स मेरे उम्मत के फसाद के जमाने में, मेरे उम्मत के फितनों के जमाने में मेरी एक भी सुन्नत को जिंदा करेगा तो उसको मैं आता हूं अजरुन शहीद, उसको 100 शहीदों का अजर सवाब दिया जाएगा। बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हक है और इंशाअल्लाह इस पे अजर जरूर मिलने वाला है हम जैसे लोगों के ऊपर, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमें से कोई अगर एक सुन्नत को जिंदा करता है तो याद रखिए
अल्लाह के राह में सौजने कड़गे समझो। हर कटने वाले के सिलसिले में मैं आपको शहादत का मर्तबा लास्ट लेक्चर में बोला था, वही से के 100 मर्तबा हम आपको अजर सवाब मिलता है अगरचे हम सुन्नत को जिंदा करेंगे। तो सुन्नत का इतना मर्तबा है, तो फर्ज नमाजों को हम जिंदा कर रखेंगे। हमसे अगरचे पूरे फर्ज नमाजें हो जाती हैं, पूरे फर्ज इबादतें हो जाती है, तो सुभान अल्लाह उसका क्या मकाम मर्तबा। बहरहाल हजरत अली रजी अल्लाह तआला के ताल्लुक से आज भी लोग शिया आने अली बोल के हैं, वो अली से मोहब्बत करते हैं और इतना अंधा तन मोहब्बत करते हैं, और वो अली रजी अल्लाह तआला के ताल्लुक से जो है गुलू कर बैठते हैं। गुलू किसको बोलते हैं? प्यारो मोहब्बत में आगे बढ़ जाना, इसको बोलते हैं गुलू। आज क्या बोलते हैं? या मौला अली बोलते हैं, ये शिर्क है। या मौला अली, अय अली मेरी मदद कर, हिंदी गाने में निकाल दे अली मौला बोल के गाने चलते थे, हमें ट्यून जबरदस्त है बोल के रिंगटोन रख लेते हैं अली मौला अली मौला अली मौला, देयर इज नथिंग लाइक अली मौला। अल्लाह मौला, अल्लाह मौला है, अल्लाह मदद करने वाला है। जो लोग अली मौला कहते हैं वो शिर्क है अल्लाह की जात में, याद रखिए। अगर जैसा का कोई गाना सुनते हैं तो नाउजुबिल्ला करना, उससे ज्यादा क्या भी बोल सकती है, शिर्क है वो, याद रखिए। अली मौला, मौला अली हरगिज हमारा ना हमारा नारा नहीं है, हमारा नारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, याद रखिए। अब आइए हजरत अली के ताल्लुक से, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत बना दिया, अपने घर का हिस्सा बोले थे। जैसे इससे पहले हदीस मैंने आपके सामने कोट की, एक जो है चादर के नीचे हजरत अली, फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन के ताल्लुक से जब बात आती तो ये मेरे अहल है बोले, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले 30 साल की खिलाफत होती, और अली हजरत अली अहले बैत भी है दो मर्तबे, एक तो मर्तबा इनका घर का हिस्सा है, दूसरा मर्तबा ये खलीफा भी, चौथे खुलफाए राशिदीन में से चौथे खलीफा भी है। तो बहरहाल हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से जो कि आप अहले बैत थे, उमर फारूक एक ख्वाहिश करे, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक ख्वाहिश करे, उमर अहले बैत का हिस्सा नहीं है, रसूल हजरत उमर फरमाते हैं हाय अल्लाह काश के मैं भी अहले बैत का हिस्सा होता तो मुझे कितना खुशी होती, मुझे अल्लाह ने इतना मर्तबा मकाम दिया, फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं अहले बैत का हिस्सा बनूं। तो आपने क्या किया, अपनी 60 साल की उम्र में, अपनी 60 साल की उम्र में हजरत अली की बेटी यानी हजरत फातिमा की लुख्ते जगर उम्मे कुलसुम से निकाह किया, सुभान अल्लाह। क्यों? हजरत उमर फारूक उम्मे कुलसुम बिनते अली बिन अबी तालिब से निकाह करे, क्यों? हजरत अली फातिमा के बेटी से हजरत उमर ने निकाह की, क्यों? क्योंकि उमर चाहता है कि मैं अहले बैत का हिस्सा बन जाऊं, बल्कि इसीलिए इसी नीयत से आपने शादी की थी। तो इस हिसाब से अली के कौन हो गए? उमर जमाई हो गए, हजरत अली के जमाई हो गए, सुभान अल्लाह। कितने हिस्टोरिक इवेंट्स हैं इसके अंदर जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको अहले बैत बनना था, अहले बैत का हिस्सा बनना था, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है उम्मे कुलसुम से निकाह किया, और 40,000 दिरहम महर के साथ, सुभान अल्लाह, 40,000 दिरहम महर। आज कैलकुलेट करेंगे 40,000 दिरहम को सोने में कन्वर्ट करेंगे तो कई लाखा हो जाते, कई लाखा हो जाते आज के जमाने में, लेकिन आज भी हमारा महर कितना है? 516 कह बोलते, हमारे हिंदू ऐसा बोल लेते थे बात, इसलिए हमें भी बचे 516 1116, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 5,000 पहुंच गए आज, 5,000। बहुत कम लोग हैं जो महर को जो है ज्यादा अहमियत देते हैं, जो महर को ज्यादा अहमियत देते हैं अल्लाह भी उसके ऊपर बरकतों से भर देता है उस रिश्ते को, इंशाल्लाह, याद रखिए इस चीज के बारे में। बहरहाल हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत बड़े फितनों वाली खिलाफत थी। हुआ ये, हजरत उस्मान को शहीद किया गया, तो उस दिन हजरत अली मायूस होकर उनके गम में घर पहुंचे थे, सहाबाए किराम पूरे मदीना के अंदर जो है हलचल मच गया। हजरत अली के पास आके फरमाने लगे अय अली आप आइए, हम सबको ईमान की जरूरत है, हम सबको अमीर की जरूरत है। बोले अमीर, बोले तो मैं अमीर ना बोल गया, डायरेक्ट बोल गया है नहीं, उन्होंने लोग चुन लिया, उनको इलेक्शन था, वोटिंग था,
ऐसा नहीं कि मेरा बेटा उसके बाद का बेटा, मेरा पोतरा पर पोतरा, ये नहीं। आज जो सऊदी अरेबिया वाले करते हैं ना, ये मुमलिकत है, ये उसका बेटा, उसके बेटा, उसका बेटा, इस्लाम में जायज नहीं है ये। लेकिन आज भी सऊदी अरेबिया को तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। आज क्या सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रे? इस्लाम में मोनार्किज्म जायज नहीं है। मोनार्कीपन यानी राजा महाराजा, मुमलिकत मुमलिकत, ये जायज नहीं। अगरचे होता तो उमर का बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर खलीफा होता, लेकिन उमर का बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर को खलीफा नहीं बनाए, उस्मान रजी अल्लाह तआला को उमर की शहादत के बाद खलीफा बनाए। आज है सऊदी अरेबिया वाले मेरा के बेटा के बेटा, बेटा का बेटा होना बोल के नाचते हो। सऊदी अरेबिया से वहां के हुक्मरानों से हम लोगों को इसी बात पे चिढ़ है। इसके अलावा वो तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उनके हाथों में हरमैन की जो है खिदमत दे रखी है, वो खादिमीन हरमैन है। मक्का मुकर्रमा के, बैतुल्ला के और इसी तरह से मदीना मुनव्वरा, दो मसाजिद के हुक्म खिदमत करने वाले हैं। तो उनकी खिदमत उनके हाथों में रखने की वजह से हम उनकी इज्जत करते हैं, बस इसीलिए। लेकिन उनकी हुक्मरानी को हम मानते क्या? वो तो हरगिज नहीं। क्या मानेंगे उनके? अब इसके ऊपर मैं लेक्चर देना बोल तो बहुत लंबा हो जाता। मेरा ऑलरेडी एक लेक्चर है जो कि हैदराबाद में हुआ था। आज अगर उमर होते के टाइटल पे जो है ये तमाम बातों को मैं हैदराबाद में मेरा लेक्चर में डिस्कस करा हूं, वहां के लोगों को मैं समझाने की कोशिश करा। सऊदी 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 बोल के गुनगाते हैं नारे, बगला मालते फिरते हैं ना, सऊदी 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 सऊदी। देखो सऊदी का हालत ये है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत क्या थी, उसके बाद मुमलिकत क्या थी, हुक्मरानी क्या थी, इसके बारे में जो है तफसीलात को मैं दे चुका हूं। तो बहरहाल हजरत अली मायूस बैठे थे, लोग आके हजरत अली को खलीफा बनाए। फिर अली रजी अल्लाह तआला जाके बोले, तुम्हारे आके मुझे खलीफा चुनने से ये बात नहीं बनता, मैं मस्जिद में आता हूं मदीना में, तो आप जिन लोगों को मेरे हक में वोट देना है, मेरे हक में खलीफा चुनना है, मेरी इमारत को तस्लीम करना है, आप लोग वहां पे आ जाओ। बोले मदीना मस्जिद में गए, सब लोग आके हजरत अली को अपना अमीर चुन लिए, अपना अमीरुल मोमिनीन बना लिए। बाद में आपने भगदड़ को संभाला। दरमियान में एक बड़ा मुसलमानों का तबका इनसे जरा अलग हो गया। यहां पे देखिए बड़ा फितना, जिसको हजरत हसन आके दोनों को मिलाते। मैं बोला इससे पहले एक हदीस, मेरा बेटा हसन दो मुस्लिम जमातों को मिलाएंगा बोल के कई को हुआ। छोटा सा मोटी मोटी बातें समझने की कोशिश करेंगी, गहराई में जाएंगे तो बहुत तफसीलात मिलेंगे। वो इतने पेजेस में फिराते फिराते मुझे खुद शक होने लगा कि मैं सही ट्रैक में जाता हूँ नहीं बोल के। मैं हर चीज़ को जो होमवर्क करके चार पांच पेपर में निकाल के फिर उसका कंक्लूजन लगाया मैं इसमें, और उलमा की तरफ रुजू करा तो मुझे मेरा कंक्लूजन सही दिशा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हुआ, उस वक्त हजरत उस्मान को मार डाले थे लोग। कौन मारे थे? मुसलमानों की जमात। क्या हजरत उस्मान को मारेंगे मेरे उम्मत वाले बोल के रसूल अल्लाह ने फरमाए नहीं फरमाए? बोले सही बुखारी 3670 पर 5 हदीस नंबर, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पे थे तो उहुद हलने लगा तो क्या फरमाए? अरे उहुद तेरे ऊपर वक्त का रसूल है, सिद्दीक है, दो शहीद है। बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल, अबू बकर सिद्दीक शहीद असिद्दीक, दो शहीदों में से एक तरफ हजरत उमर थे, दूसरे तरफ हजरत उस्मान थे। ये दोनों के बारे में जिक्र हो रहा है, हजरत उस्मान भी शहीद होने वाले हैं बोल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नबुवत के वक्त ही बोल दिए। हो गया हुआ तो हजरत उस्मान को कत्ल करें, मक्तूल हो गए, शहीद हो गए आप अलैहिस्सलाम, आप रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो हजरत अली मायूसी से जो है घर में बैठे, लोग जो है मस्जिद नबवी में बुला को इनको अमीर बना लिए। तो चंद लोग जो मदीना में नहीं थे, हजरत आयशा बिलखसूस, हजरत आयशा मेरी और आपकी माँ, हजरत आयशा मक्का में थी, उनके साथ जुबैर बिन अवाम भी थे, उनके साथ तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु, दीगर ऐसे मोतबर सहाबा थे जो अलग अलग दूर दूर थे, उनको यह खबर पहुंची भी नहीं। देखिए याद रहे, हजरत अली को अमीर बनाया जा रहा है, अभी इनको मालूम नहीं। हजरत उस्मान को शहीद कर दिए बोलते बाद भी नहीं मालूम, कब मालूम हुआ? इनके मदफून होने के बाद, एक लंबा वक्फा के बाद। आज जैसे फोना नहीं था ना जी, उन्होंने इंतकाल हो गए, जल्दी निकलो तुम्हें जनाजा हम फला टाइम पर, नहीं ना। उस टाइम पे एक खबर देने वाला खबरी जो है जाता था घोड़सवार होके, फिर वो 400 किलोमीटर तक जाने के बाद दो रोज लगता कि तीन रोज लगता कि जाता, बात सुनाता, बाद में मालूम होता कि दो तीन रोज तक यहाँ पे मैयत को लेके बैठते, क्या नहीं मदफून कर देते थे फौरन। तो इसी तरह से हजरत उस्मान को मदफून किया गया, फिर अमीर को जो है हजरत अली को बना दिया गया। तो हजरत आयशा को यह बात मालूम हुआ कि हजरत अली अमीर थे, तो सुभान अल्लाह मेरा बेटा अली, कौन बोले हैं? हजरत आयशा। हजरत आयशा जबकि उनकी उम्र जो है
कितनी थी 24 साल 28 उम्र की थी, ईयर्स की उम्र की थी। हजरत आयशा फरमाने लगी मेरा बेटा अली के ताल्लुक से मेरे रसूल फरमा चुके थे कि इसको इमारत मिलने वाली है, बोल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी बोले आए अली तेरे ऊपर जब तक मौत नहीं आएगी तब तक के तुझे इमारत मिल जाए, जब तक तू खलीफा नहीं बनता तब तक मरता नहीं, बोले। इसके ताल्लुक से एक हदीस और भी आती है जो कि मुस्नद अहमद की हदीस 12,335 से 12,380 तक जब आप पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह, ये पूरे इमारत और खिलाफत के मसाइल है हजरत अली के ताल्लुक से, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 11, उसी से मैं हवाला निकाल के बोल रहा हूँ, और तारीख इस्लाम की किताब। बहरहाल हजरत अली को उस वक्त तक मौत नहीं आएंगे जब तक कि वो अमीर ना बन जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। तो हजरत अली अमीर बन गए, हजरत आयशा फरमाने लगी मेरा बेटा अली अमीर हो गया, सुभान अल्लाह, बोले हो गया। लेकिन बाद में उनके दिल में यह भी था अली जब खलीफा बनता तो फौरन उसको हजरत उस्मान के कत्ल करने वालों से, उनके मक्तूल से खिसास लेना चाहिए था, मतलब उनको सजा देना जल्दी जल्दी करना। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना होगा, 2 महीने हो गए, इनके अंदर खलबली मच गई। हजरत अली ने अभी तक किसी के ऊपर खिसास नहीं लिया, उसका जो है रिवेंज नहीं लिया, उन लोगों को सजा नहीं दिया। ये बात फैल गई, मदीना में फैल गई और मक्का में फैल गई। तो मदीना में रहने वाले गवर्नर हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को भी बात पहुंची, उन्होंने भी इसका एतराज किया, हजरत अली ऐसा कैसा करते हैं, आपको गर्दनला था ना, उन लगाओ पकड़ लेना था ना, सजा देना था ना। सबके दिल में ये छल लखलखा पड़ा। आखिरकार ये सब है ना एक जगह जुड़ गए। फिर ये हजरत अली अभी तक खिसास नहीं लिए, इनके दिल में क्या है कि हजरत उस्मान के खिलाफ में क्या तो भी इनको जलन थी क्या, नाऊज़ुबिल्ला। ये बात बोलने के लिए भी मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जो है अय अली तू जन्नती है, अय उस्मान तू जन्नती है, अय तलहा बिन उबैदुल्लाह तू जन्नती है, अय जुबैर बिन अव्वाम तू जन्नती है, बोल के बोले। लेकिन बाद में इनके इख्तलाफात थे, अंडरस्टैंडिंग आखिर है तो जन्नती होंगे तो होंगे, लेकिन एटलीस्ट होंगे तो इंसान ही है ना जी, इंसान के दिल में थोड़ा सा शकवा करना था ना, अब तक कई को खिसास नहीं लिए, ऐसे के लखलखे थे। साथ ही साथ दुश्मना भी थे, ये दुश्मना जो है क्या हो, देखो अब हजरत अली की बारी आई, हजरत अली को खतल करना हो, उनका टारगेट वो चलता था, उन लोग क्या करे हजरत अली को टारगेट करने के लिए उनकी खिलाफत में जाके लोगों को क्या बोले, हजरत अली अभी तक उस्मान के खतल का जो है इंसाफ नहीं करे, उनको सजा नहीं दिए, तुम लगा जाके पूछो, बोले तो बाज लोग है ना गुमराही में आ गए, फितने में आ गए, मजबूरी की हालत में हजरत अली से पूछने लगे, आए अली आपको खिसास लेना था, आपने देर कर दी। तो हजरत अली इस बात को रोके रखे, खिसास नहीं लिए, इनका मंशा कुछ और था, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो कोने कोने में बात क्या पहुंच गए, चंद लोगों को क्या पहुंच गया, आज तक हजरत अली उस्मान के खातिलीन को सजा नहीं दिए, शायद इनके दिल में कुछ और मंशा है क्या कि, बल्कि नाराजगी पैदा हो गई। तो ये जो नाराज नाराज थे ना, ये सब भी मेरे को मक्का पहुंचे, अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास, अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत जुबैर बिन अव्वाम, और इसी तरह से दीगर असहाबी किराम जो भी, जिनका अभी मैं दोनों का नाम लेता हूँ, लेकिन इनके साथ और अकाबरीन असहाबी किराम भी मिलके जो है हजरत अली को ये बात कहने लगे कि ए अली आपको जो है खिसास लेना ही था, बोले। अब ये बात पूरे फोना में होना नहीं, याद रखिए ये बहुत लंबे लंबे बात लंबे लंबे वक्फे में होते हैं सुबह आए। तो बाद बाद में इनका एक जमात ही बन गया। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या करें, मदीना से कुछ यमन के तरफ चले गए, कुछ जो है शाम के तरफ चले गए, इनकी ये लोग अलग अलग रहने चले गए। फिर हजरत अली क्या करें, अपनी सल्तनत को, इसका मरकज को, इसका सेंटर को, इसका कैपिटल को मदीना से निकालकर कूफा में शिफ्ट करें। कौन? हजरत अली अपनी खिलाफत का सेंट्रल, जैसे राजधानी बोलते ना, सेंट्रल बोलते जहां से हुकूमत होती। अब हमारे तीन रहने से मैं किसका नाम लेना नहीं है, हमारे राष्ट्र में नहीं, हमारे देश का राजधानी कौन सा है, दिल्ली। तो दिल्ली से जो है जैसा सेंट्रल इश्यूज डील होके आते हैं, वैसा जो हजरत अली क्या करें, मेरा राजधानी कूफा है, बोले तो कूफा में चले गए। दरमियान में फिर ये मक्का मदीना से सब मिलकर, शाम से, यमन से सब मिलकर एक जगह मिले। कौन? हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं हजरत अली से नाराज हूं, बोल के अलग अलग रहने शुरू करे। तब जाके
दोनों अलग अलग जमातों में तब्दील हो गए। भाई साहब बोलो, हजरत अली की इमारत को, उनकी उनकी खिलाफत को नहीं कबूल करें? कबूल करें, लेकिन नाराजगी थी, जैसे आम इंसान थे सबकी नाराजगी थी। बहरहाल ये चलता रहा। बाद में हजरत अली के पास दूसरा एक मुद्दा आया, वो है था खवारिज का मुद्दा। खवारिज के मुद्दे के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके, सही मुस्लिम आज जो कि इंग्लिश में 7 वॉल्यूम्स में अवेलेबल है, सही मुस्लिम जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2362 से 2370 तक जब आप पढ़ेंगे, खवारिजीन का मसला है। यहां पे खवारिज बोल के एक जमात उठी ओडेम पे, कौन ये लोग? इनके ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत सुनाए। क्या बशारत थी? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुनिए हदीस सुनिए, सही मुस्लिम की 2362 सही मुस्लिम। अबू बकर आके फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं फला जगह से आ रहा था, वहां पे मैंने एक ऐसे खूबसूरत लोगों को देखा, एक ही बात होती थी, एक ही की बात आती है, लेकिन उनके साथ और जमात भी थी, लेकिन नमाज पढ़ रहा था, एक ही पढ़ रहा था, उसने इतने अच्छे तरीके से नमाज पढ़ी, गोया कि आप जिस तरह से हमें नमाज पढ़ना सिखाया उसी तरह से उसने नमाज पढ़ी, और मुझे बड़ा तसल्ली महसूस हुआ। ये बात अबू बकर को कहना ही था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, आए अबू बकर जाके उसकी गर्दन उड़ा डाल, बोले अल्लाहू अकबर, अबू बकर जा उसको शहीद कर, बोले उसको मार डाल, बोले खतल कर उसकी, बोले अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह के नबी वो तो नमाज पढ़ रहा था, आप जिस तरीके से नमाज पढ़ने के लिए कहे उसी तरीके से पढ़ रहा था, वो बोले अरे वो अबू बकर जा तो उसको खतल कर, बोले अबू बकर सिद्दीक तलवार उठा के उसके पास जाते हैं, फिर देखते हैं वो फिर नमाज पढ़ रहा है, वो देखते ही अबू बकर फिर वापस आ जाते हैं, दिल नहीं करता या रसूल अल्लाह, मेरा दिल गवारा नहीं देता कि ऐसे अच्छे तरीके में नमाज, जो आप हमें नमाज का तरीका सिखाए वैसी नमाज पढ़ रहा सो शख्स को मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं, ये मुझे तसल्ली नहीं दे रहा है, बोल के मुझसे नहीं हो सकता क्या कि, बोल के पूछने लगे। उमर फारूक को बताया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर जाओ उसकी गर्दन उड़ा, बोले उमर फारूक भी उठा के चलो मैं जा करता हूँ, बोल वहां गए, लेकिन उनका भी दिल माइल हो गया उसके तरफ, वो अच्छी नमाज पढ़ रहा था, इतना खुशनुदी से था, इतना चमकदार चेहरा था, अल्लाह के नबी क्यों इसको खतल करने की कहते हैं, ये एक बार जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर से दरियाफ्त करेंगे, कोशिश करेंगे, बोले आखिरकार ये लोग कहीं को बोलते हैं, हाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलता फौरन करना था ना, कहीं को करें नहीं बोलते क्या, कि नहीं आखिर वो तमाम लोग इंसान थे, ये नबी थे, ये खलीफा थे, वो सेकेंडरी, वो उनके और अलखाब हो, लेकिन आखिरकार वो इंसान थे, उनका दिल गवारा नहीं लगा। उमर फारूक भी आते हैं कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा दिल गवारा नहीं लगा, वो इतना अच्छा खुशी और खशियत के साथ नमाज पढ़ता है जिस तरह से आपने हमको नमाज सिखाई, मेरा दिल गवारा नहीं लगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आया अली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से बोले नहीं, आया अली तू जा, आप बोले तू जा उसको खतल कर रहे, बोले फिर हजरत अली जहां पे गए वहां से वो गायब हो गए, मतलब नहीं थे वो लोग वहां पे। अली रजी अल्लाह तआला फरमाने या रसूल अल्लाह मैंने किसी को नहीं पाया वहां पे, वो तो खाली इलाका था, बोले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब फरमाते हैं अरे अबू बकर, अरे उमर, अरे अली याद रखो, ये जो लोगों को तुम अच्छी नमाज पढ़ रहे बोल के बोले ना, इनकी पूरी नस्ल खवारिज बन के निकलेगी, सिर्फ वो लोग कुरान पे अमल करेंगे, नबी को नहीं मानेंगे, आगे चल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पांव के तले रोन देंगे, तो जाओ तुम्हें उन्हें खतल करने का इसीलिए हुक्म मुझे मेरे जिब्राइल ने सुनाया, बोले अल्लाहू अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था, लेकिन जिब्राइल आके बोले अहे अल्लाह के नबी वहां पे आपके उम्मती जो अलग से एक फितना उठाने वाले हैं ना, वो वहां पे नमाज पढ़ रहा, बोल के इनको बोले इसीलिए अबू बकर पूछे तो उनको जाओ तुम्हार का जा, बोले सब समझ में आया। तो उस टाइम पे नहीं हुआ ना, वो लोग पूरे एक ग्रोह बन के चले गए, और उनके ताल्लुक से यही अहादीस के अंदर फरमाते हैं, ये लोग कैसे रहते कहते हैं हटे खटे नौजवान गोरे गोरे चेहरे वाले शेविंग करते थे हमेशा जो है सर मुंडाते रहते कहते इनके सर के ऊपर बाल जैसे भी आते सर मुंडाते थे, लेकिन अरब वाले सर नहीं मुंडाते याद रखिए इस चीज को, उनकी निशान बताते हैं ये आगे चल तो सर हमेशा सर मुंडाने वाले थे, खुशनुदी चेहरे वाले थे, उनको देखेंगे तो सामने वाले है ना अल्लाह अकबर कितने अल्लाह वाले रे बोल के मान लेते वैसे छे थे वो लोग। नंबर वन उनके जमात में एक लीडर रहता जो के छोटा हाथ वाला रहता, बोले सुभान अल्लाह क्या डिस्क्रिप्शन करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जमात की, उसमें से एक का हाथ छोटा रहता, रावी हदीस फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोटा हाथ कहा या हाथ ऊपर से सिर्फ रहता नीचे से हाथ नहीं रहता, ऐसा बोले कि मैं कंफ्यूज हूं बोल के रावी फरमाते हैं। बहरहाल दूसरी जगह पे आती है, अब ऐसे बच्चे भी पैदा होते ना जो
यहां तक हाथ रहता, जानते ना आप लोग, सिर्फ यहां तक हाथ वाले बच्चे भी पैदा होते कभी कभी। तो वैसे की कौम थी वो, बोल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डिस्क्रिप्शन करते, वो लोग दिखते आए अली, आखिर में बोलते अली तेरे दौरे हुकूमत में वो लोग आएंगे, तुम उनसे जंग करना, मैं उम्मीद करता हूं जो लोग उनसे जंग करेंगे अल्लाह उनको अच्छा अजर देगा। वो सुभान अल्लाह। तो इसीलिए हजरत अली वो कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो डिस्क्रिप्शन को पूरा अपने जहन में रखे, खवारिज के पास जाते हैं और उनसे जो है हजरत अली देखो कितना प्यार करते हैं उनसे, उनसे क्या कहते हैं, मेरे रसूल बोले थे तुम लोग ऐसे होंगे, तुम लोगों के अकायदा बहुत खराब होंगे, लेकिन तुम लोग कुरान को इतनी प्यारे आवाज से तिलावत करेंगे, अगर जो कोई सुनने वाला सुनेगा तो वल्लाह बोल के आपके ऊपर कुर्बान हो जाएगा, लेकिन मेरे रसूल ने कहा आपका यह कुरान का तिलावत करना आपके गले तक रह जाएगा, हलक से अंदर नहीं उतरेगा बोल के बोले। इसलिए मैं क्या समझ रहा हूं, आप लोगों को फिर एक मौका दे रहा हूं मैं, आप लोग कुरान तो पढ़ते हैं, अल्लाह पे तो मानते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल के अंदर आप लोग फेल होते हैं, तो मैं आपसे फिर से दरख्वास्त करता हूं। कौन बोलते हैं, अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं फिर से दरख्वास्त करता हूं तुम लोग इस्लाम की तरफ वापस आ जाओ, सही सुन्नतों को अमल करना शुरू करो। बोले देखो अली भी बोलते हैं सही सुन्नत करो, सही सुन्नत आज भी बोलते हैं ना लोग आपको, सही सुन्नतों पर अमल करो, सही सुन्नतों पर अमल करो बोल के बोलते हैं। कौन तो बोलते हैं नहीं रहे, बोलते हैं लड़ने को मर जाते हैं, रफल करके समझो वो सुन्नत नहीं, ये वो करते सुन्नत तो लड़ लेते हैं, आज सुन्नत बोलते लड़ी का झगड़े का मामला होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अली जाके फरमाते हैं तुम सुन्नतों पे अमल करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे आ जाओ बोल के बोले तो भी उनमें से उनका सरदार नहीं माना। आखिरकार मजबूर में हजरत अली उनके तरफ एक जंग का ऐलान करते हैं, अपने लश्कर को ले जाके उन तमाम लोगों को, तकरीबन 4000 लोग थे वो, 4000 तारीख में आता है 4000 पीपल थे, दूसरी तारीख में 6000 लोग थे बोल के बोलते हैं, उनमें से अक्सर मेजॉरिटी पीपल हजरत अली के बात सुन के वापस इस्लाम में आ जाते, सिर्फ 2000 लोग नहीं आते। अल्लाह के नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत को सच्चा करते हुए क्या बोले, अगर जो वो दिखे तो उनको खतल कर बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पढ़ने वाले ना है तो भी खतल कर उनको बोले, कई को ये खाली कुरान पढ़ते इनके दिल में इसके ऊपर अमल नहीं रहता, उनसे खतल उनको है ना उनसे जंग कर बोले ना हजरत अली को, हजरत अली मजबूर में जाकर उनको जंग करते हैं और उनको 2000 लोगों को गर्दने उड़ा देते हैं, यानी उनको खत्म कर देते हैं। उनमें से 9 जने बच जाते हैं, और वो 9 जने कौन, सदर लीडर्स, खिकरुआ बोलते ना हम हमारे जबान में, उन सबसे बड़ा खिकरू रहे पापू, उसका नजदीक बहुत कम रहता, इन खिकरना शुरू करना तो सब जने को खिकरते चले जाते, बोलते ना मैं अपने जबान में बोल रहा हूँ, उसमें गाड़ी गाड़ी उर्दू को समझाने के नहीं, मसला समझ में आना हम ना को, उसमें से 9 खिकरुआ थे, मेरे जबान में बोल रहा हूँ आपके मेरे जबान में, उन्होंने क्या करें अलग अलग रफा दफा हो गए, कहाँ चले गए, कूफा में चले गए, मदीना में चले गए, शाम में चले गए, मक्का में चले गए, फिर ये अंदर अंदर से एक दूसरे से मीटिंग डालते थे, क्या बोल के, जो कि अली हमारे दुश्मन है, हमें अली को कत्ल करना है बोल के, खवारिज पूरे प्लान डालते हजरत अली को कत्ल करना बोल के। अब वो हो गया मामला एक ख्वारिज का जंग, उसमें ख्वारिजों को अल्लाह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है खतल कर दिया, फिर हजरत अली इमारत संभाल रहे थे, लेकिन दरमियान में ये जो मुआविया का वर्गम है ना, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का वर्गम, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो जमात था, ये लोग सभी नाराज थे ना, ये जो खिकरुआ है ना इनके अंदर चले गए, किनके अंदर, वो हजरत मुआविया के अंदर उनके जमात में चले जाके बोले आज तक अली देखो रजी अल्लाह तआला अन्हु आज तक खिसास नहीं लिया हजरत उस्मान का, तुम लोग ऐसा खामोश बैठे था, अभी क्या है, उन्होंने क्या बोले को सुनना पड़ता थी, मैं बोले उतने में ये लोग उतावले, हर इंसान में उतावली भी है, जोशीली भी है, संभालने वाले भी है, जोशीले जाकर नहीं हमें उनके ऊपर चढ़ाव करना चाहिए बोल के निकले। फिर हजरत अली को ये बात मालूम हुआ तो इनो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इनके बेटा खुद को जो है एक सुलह के लिए भेजते हैं, क्या उनसे क्या, हम आपको क्या लेना देना, मेरी माँ हजरत आयशा है उधर, हमें उनसे क्या जंग करते हैं, जाओ उनको समझाने की कोशिश करो बोले, जाकर समझाए तो भी मसला हुआ नहीं। दरमियान में दोनों जमातें मिल गए, रात में डिस्कशन हुआ, हजरत अली खुद बोले चलो आप अपने अपने हिसाब से कहाँ कहाँ चले जाओ, बोलते देखो कहाँ के बाद चले जाओ, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, एक दूसरे मुसलमान काट लेना ना को तोड़ लाना को बोले, सुमल गए अपने अपने जगह पे जाके सो गए। रात का मौका था, ये ख्वारिजी में से चंद लोग आके हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की जमात में से चंद लोगों को शहीद कर दिए। अब लोगों को क्या लग गया, हजरत अली के वर्गम वाले आके हम ना मार डाले नहीं,
तो अभी क्या है, चलो रे हलगार हलगार बोल के निकले सो दिल्ली को। जब हुई थी जंगे जमल, जंगे जमल हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनहु का एक ग्रुप, मुसलमानों की ग्रुप, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अनहु का एक ग्रुप, ये दोनों के बीच में मिसकंसेप्शंस के वजह से जंग हो गई थी। समझ गए आप, एक दूसरे को सही मायने में नहीं समझने की वजह से जंग हो गई थी। जोर मरूज लग लेते आजकल घर में रहे वो भी, अब वो दूर दूर की जमाते किकरने वाले कितने के रहते हैं, कैसा रहते नहीं इंसान नासो भी। दोनों के बीच में जंग छिड़ गई हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो है आगे बढ़े और उनमें से कईयों को जो है खत्म करना शुरू करे। मतलब दो भी मुसलमाना लड़ते हैं, सो भी मुसलमाना मरते हैं, सो भी मुसलमाना। लड़ने वाला लड़के मरा तो भी जन्नती, मरने वाला मर गया तो भी जन्नती। याद रखिए इन दोनों के ताल्लुक से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये दो मेरे जमाते जो दोनों अपने अपने हिसाब से हक पे रहेंगे वो लड़ते हैं लड़ेंगे बोले। तो दोनों को भी इंशाल्लाह ताला जो है, क्योंकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबात हैं तो इनको जन्नती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिस तरह से बाद में वो जंग फिर संभल गई, हजरत आयशा के पास हजरत अली जाके बोले मेरी माँ आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि आपका बेटा अली उसके भाई उस्मान का किसास नहीं लेगा, आपने ऐसा कैसा समझा? क्या मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ये नहीं कहे थे कि औरतें जंग में नहीं आती, औरतें जंग का हिस्सा नहीं बनती, तलवार नहीं उठाती, लोगों के अंदर नहीं आती? बोल के बोले नहीं दिया बोल तो, अरे मेरा बेटा अली जज़ाकल्लाहु खैर, तेरे ऊपर अल्लाह की रहमत हो, तूने मुझे अच्छी बात मेरे रसूल की याद दिला दी। बोल के हजरत आयशा ऊंट के ऊपर चढ़ के निकल चले जाते, वापस हो जाते हैं जंगे जमल, वहां से रफा दफा हो जाती। ब्रेक है जंग जंगे सिफिन, इंशाल्लाह मैं आइंदा आने वाले जगह पे जंगे सिफिन के बारे में तफसील करूंगा क्योंकि लेट हो रहा है। आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह तआला के दौर में ये मुसलमानों का झगड़ा भी था और ख्वारिजीन का मसला भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ अली तू हूबहू, क्या बोलते हैं, तू हूबहू इब्ने मरियम जैसा है, ईसा इब्ने मरियम जैसा है, क्योंकि ईसा इब्ने मरियम के दो जमाते एक उनसे नफरत करते थे, एक उनके प्यार में गुलू कर बैठे। बोले ईसा इब्ने मरियम को नफरत करने वाले यहूदी थे, ईसा इब्ने मरियम के प्यार में गुलू करके उनको खुदा का बेटा समझकर उनको खुदा समझकर मानने वाले नसरानी हैं। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ठीक इसी तरह से ऐ अली तेरी भी दो जमात होंगे जो तुझसे नफरत करेंगे, एक जमात उनमें से तुझसे नफरत करेगी, एक जमात तेरी मोहब्बत में गुलू कर बैठेगी। तो हजरत अली को यह बात सुनना ही था, उसी वक्त ऐलान करे खबरदार मेरे मानने वालों, मेरे इमारत में रहने वालों, खबरदार अगरचे तुम लोग मुझसे दुश्मनी करोगे तो गोया के तुम लोग नाकाम हो जाओगे और जहन्नम में जाओगे, अगरचे तुम मेरे अंदर वो सिफात को पैदा करने की कोशिश करोगे जिसका मैं हकदार नहीं हूं। आज मौला अली बुलाते हैं ऐ अली मदद कर, ऐ अली मदद कर बोल के बोलते हैं ना, उनके ताल्लुक से बोलते हैं हजरत अली जो लोग तुम्हें मेरे अंदर जो चीज नहीं है उसको लाने की, उसको मेरे अंदर दखने की कोशिश करते हैं ना, खबरदार मैं इन तमाम चीजों से बरी हूं बोल के उनको ऐलानिया तौर पे ऐलान कर दिया। मतलब फिर आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से इनकी खिलाफत बड़ी ही फितनों वाली खिलाफत थी। इनके पास ना इनको है ना इस्लाम भी फैलाना था और अपने मुसलमानों के बीच में जो इख्तलाफात थे इसको भी दूर करना था, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी। हजरत उमर फारूक के जमाने में ये ख्वारिजीन का फितना नहीं था, खवारिज का, और इसी हिसाब से मुसलमानों के दरमियान में इख्तलाफात नहीं थे। ये दो चीज़ों से हजरत उमर फारूक बरी थे और ये हमेशा इस्लाम को फैलाने में ज़्यादा ध्यान दिए, और हजरत उमर के ज़माने में इस्लाम बहुत ज़्यादा फैला, बहुत ज़्यादा। लेकिन हजरत अली के पास खुद मुसलमानों का एक झंझट था, मुसलमानों के इख्तलाफात को दूर करना सबसे बड़ा मुद्दा था। इतना कुछ होने के बावजूद भी हजरत अली रात में तहज्जुद गुजारते, सुभान अल्लाह, बच्ची का शादी है बोलता फर्जा उड़ा मारा दे हमें, दो तीन महीने पहले बाद जुमा गया के तक है, समझे ना, हमें खाली बच्ची की शादी के ताल्लुक से, बच्ची का क्या तो भी बुखार आओ नहीं तो बच्चे का क्या तो काम रहा, तो कई साल कई दिन नमाजा उड़ा मारा दे हमें। वो लोग कैसे थे, हजरत अली हजरत उस्मान हजरत उमर तड़प तड़प कर तहज्जुद में तड़प तड़प कर जो है इकरार करते थे। तफसीलात इतने प्यारे तफसीलात मिलते हैं हजरत अली के ताल्लुक से, यही नहीं बल्कि वो हजरत अली का मामूर था, रोज का रोज आदत था। आप रजी अल्लाह ताला अनु खुद वेकअप होते अर्ली मॉर्निंग फास्ट फास्ट फजर की नमाज की बात बोल रहा हूं, और गली गली में जाके आवाज देते, गली गली में जाके आवाज देते, क्या वो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आज खाली मौजन बोलते हैं ना अजान में, वो खुद बुलाते अस्सलातु खैरुम मिनन नौम,
नमाज नींद से बेहतर है बल्कि खुद उठाते लोगों को, कौन? वक्त के अमीर, वक्त का लीडर। लीडर बोलते कितना बड़ा लीडर मालूम? कूफा, मदीना, मक्का, सीरिया, इराक, शाम के इलाके, रशिया, आज का रशिया, इतना बड़ा मुरब्बा एरिया वाला, कई हजार मुरब्बा एरिया वाला, कई हजार स्क्वायर किलोमीटर का सदर लीडर सुबह से उड़ता है और अपने इर्द गिर्द रहने वाले मुसलमानों को कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और नमाज नींद से बेहतर है, वो भी बुलाते हैं अमीर। ऐसे थे वो अमीर, ऐसे थे वो कुर्बान पसंद लोग इस्लाम के, ऐसे थे मुजाहिद इस्लाम उस वक्त के। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इतने कुछ जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी हजरत अली ने कभी इबादत से रुखबत बेरुखबती हासिल नहीं की, इबादत से कभी दूर गए नहीं। आखिरकार आप अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है ये फरमा दिया गया कि ए अली, तुझे तेरे ऊपर वार करने वाला, एक मरतबा हजरत अली और हजरत दूसरे एक साहबी का नाम है, बहुत सारे नाम, या तो जुबैर बिन अवाम होंगे या जो है कोई यासिर बन, माफ करना, यासिर अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अम्मार बिन यासिर और हजरत अली, ये दोनों मिलके एक जगह पे जंग के पास जाते हैं, जंग हुनैन के पास, हुनैन जंग हो जाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पे रहते हैं। फिर ये दोनों वहां से, वहां के लोग जो खजूरें निकालते हैं ना अपने झाड़ से, वो खजूरों के काम बड़े प्यारे अंदाज में करते, बोलते सुने में चलो आए अली देख के आएंगे, बोल के घूमने के वास्ते गए, उनका काम देखने के वास्ते गए। कौन? हजरत अली, हजरत अम्मार बिन यासिर जाते हैं, उनका काम देखते हैं, बड़े प्यारे अंदाज में काम देखते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तो ये दो लोग बड़े प्यारे अंदाज में जो है खजूरों की जो है हिफाजत करते हैं, खजूरों को हार्वेस्टिंग करते हैं बहुत अच्छा अंदाज में, कटिया काटते ना हमें वैसा खजूरा बहुत अच्छे तरीके से काटते हैं ना ये लोग, बोल के बोल लिए, खुशी के मारे रहे, चंद खजूरे उसमें से खा लिए और उनके ऊपर वही नींद तारी हो गई, वो लोग सो गए। और सोने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत अली को याद करे, अली कहाँ गया देखो, बोल के लोग बताने लगे कि अली रजी अल्लाह तआला वहां पे सोते हैं, बोल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाते हैं, देखते हैं हजरत अली जो है खाली सिर्फ एक लुंगी था उनको, देखिए बड़े बड़े लोग उस जमाने के लोग खुद ब खुद क्या क्या पहने हुए थे, उनके जिस्म पे कपड़े भी मुहैया नहीं थे। अल्लाह अकबर, क्या लोग जी हैं, एक तो अमीर थे, एक तो जो है कई सारे मर्तबे वाले थे, फिर भी वो बहुत कम कपड़े वाले थे, मतलब उनकी उतनी ज्यादा गुर्बत थी। तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने पीठ के बल जो है सो गए और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पैर के ऊपर इशारा किया उठो बोल के, हजरत अली उठते हैं, उठना देर उनके पीठ के ऊपर जो है मट्टी लगा हुआ रहता, तो ये देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते हैं और कहते हैं अय अबू तुराब उठ, बोले अय अली, बोले नहीं क्या बोले, अय अबू तुराब उठ, बोले अय मिट्टी वाले, यानी मिट्टी को पीठ पे लगा के पड़ा हुआ ना उठे जाएंगे, बोले वहां से इस तरह से अबू तुराब बोल के लखब दिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को। और हजरत अली को ये लखब इतना पसंद आया, जहां कहीं भी जाते था मुझे है ना हजरत अली बोल के नको बुलाओ, अबू हसन बोल के, अबू हुसैन बोल के नको बुलाओ, मुझे क्या बुलाओ, अबू तुराब बोल के बुलाओ, बोले ए मट्टी वाले बोल के बुला मुझे, क्योंकि मेरे रसूल ने मुझे मेरे लिए नाम चुना है, बोले। तो इतनी मोहब्बत थी आप अलैहिस्सलाम से उनके असहाबे किराम को। तो बहरहाल हजरत अली वो अबू तुराब बोल के उठने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशारत सुनाते हैं, ऐ अली जिसके मार से तेरी शहादत होती ना, क्या मैं उसका नाम बताऊं क्या, बोले अल्लाह अकबर, इब्ने अल मुअल्जम बोलते उसको, इब्ने अब्दुल रहमान इब्न अल मुअल्जम नाम का एक फर्द के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तेरे ऊपर वार करने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस क्या बताएं, दो ऐसे बदबख्त हैं, दो ऐसे बदबख्त हैं, द वर्स्ट पीपल इन दिस एरा, शैल आई टेल द नेम्स ऑफ दोस पीपल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या मैं उन दोनों कमबख्तों के नाम बताऊं क्या तुझे, बोले हजरत अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह बताइए, बोले बनान फरमाने लगे वो शख्स सबसे बड़ा बदबख्त वो है जो हजरत साले अलैहि सलातु वस्सलाम के ऊटनी के ऊटनी को जुबा करता है, ऊटनी को मार डालता है, वो सबसे बड़ा बदबख्त, बोले। दूसरा वो बदबख्त जो हजरत अली के ऊपर वार करता है, बोले। क्या बोले, दोनों हुद समूद, हजरत हुद अलैहि सलाम, हजरत साले अलैहि सलाम समूद कौम के ऊपर जो है नबी बना के भेजे, पुराना जमाना था। अब आप पढ़ेंगे सूरह शम्स,
सूरह शम्स सूरह नंबर 92 की आयत नंबर 12 13 14 ये आयतों में अल्लाह ताला वहां पे उन लोगों का जिक्र करता है, क्या बोल के, जो लोग ऊंटनी को मार डाले हमने उनके ऊपर अजाब डाला। अल्लाह ताला फरमाता है इसमें ऊंटनी को मारने वाला था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का कौम वाला। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जाके अरे अल्लाह की इबादत करो बोले तो तू भी एक आम आदमी से, लेकिन इतने बिल्डअप मन को नौज बिल्ला एक काम कर दो, ये पत्थर है ना पहाड़ का पत्थर इसमें से हमारे ऊंट निकाल को दिखला हमें तुझे नबी मानते। बोले अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बोले ये मौजजा के बाद तुम लोग ईमान ला डाल देना, अगरचे ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ताला तुम्हारे पर अजाब देता। बोले हाँ ला डाल दे प्रॉब्लम नहीं ला डाल दे तेरे ऊपर ईमान ला डाल दे निकाल वहां पहाड़ से। बोले पहाड़ से ऊंट निकलती अल्लाह के हुक्म से निकलती कुन फयकून अल्लाह हुक्म करा तो निकलती। वैसा ही अल्लाह ताला क्या कह रहा है हुक्म करा आए ऊंट तू पहाड़ से बाहर आ। बोल के पहाड़ से ऊंट बाहर आई। वो ऊंट को सालेह अलैहिस्सलाम कहते हैं इस ऊंट की कसम तुम इसकी हिफाजत अच्छी तरह करना। फिर वहां से चलते अगरचे इसको जरा बराबर भी नुकसान करोगे ऐजा पहुंचाओगे दुख दोगे तो तुम पे अजाब टूट पड़ती। बोले बोल के हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। वो लगा उस वक्त ईमान लाए बोल के एक्टिंग करे, बाद में क्या करे सालेह अलैहिस्सलाम जाने के बाद वो उस ऊंटनी को मार डाले, उसको पानी भी पिलाई नहीं उसको मार डाले। फिर अल्लाह ताला उनके ऊपर अजाब नाजिल कर वो लोग निस्तनाबूद हो गए। ये उसमें जो ऊंटनी का कोच काटा ना ऊंटनी का जो जबा करया ना उसको अल्लाह ताला फरमाते हैं सबसे बड़ा बदबख्त। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पे उसको याद करते हैं सबसे बड़ा बदबख्त वो था जो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को मार डाला था, और दूसरा बदबख्त वो है जो तेरे ऊपर वार करता। बोले ठीक इसी तरह से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनु के को है जो है वार करा था। तीन लोग जो नौ खारिजीन बच गए ना उस टाइम पे, वो तीन लोग उनका बेटा नाम आता है इब्ने तमीमा अब्दुल रहमान इब्ने तमीमा, इसी तरह से बकरा अबने इब्ने तमीमा अबू बकर इब्ने तमीमा, ये दो अलग अलग लोग नाम आए, नाम मिलते जुलते रहते हैं लेकिन ये अलग लोग, ये तीनों है ना कूफा में पहुंच गए, कूफा की मस्जिद में पहुंच गए। फजर का वक्त था, हस्ब मामूल रोज रेगुलर जो तरीका था हजरत अली का जाके लोगों को नमाज के लिए उठाते आते हैं असला तो खैर नौ बोल के मस्जिद में बस दाखिल हुए फौरन जो है एक शख्स ने उनके ऊपर वार करा, लेकिन हजरत अली उससे बच निकले उसको जो है दीवार के ऊपर ठकेल दिए। इतना ही होना था पीछे से एक आता है और हजरत अली को जो है ऊपर से एक वार करता है जो तलवार हजरत अली के ऊपर पेशानी पर कट जाती है। इस जख्म होना ही था, आप बेहोशी की हालत में चली होकर चले गए। फिर आपको घर लाया गया और वहां पे तीन दिन की सखरात के बाद आप 21 रमजान एक हिस्ट्री आता है 20 रमजान को शहादत का नोश पा लिए, यानी हजरत अली शहीद कर दिए गए। कौन था वो? खारिजीन में से था वो। ये खारिजीन, खारिज किसको बोलते हैं? द वन हु एक्सक्लूडेड, द वन हु एक्सक्लूडेड, जो शख्स जो निकल गया, जो बाहर निकल गया ना, मतलब इस्लाम से बाहर निकलने वाले थे वो लोग, तो उसके वास्ते उनका नाम है ना खवारिज बोल के बुलाए। वो खवारिज हजरत हसन बिन अली को जहर दे के मार डाले, और वही खवारिज हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर डाले। लेकिन खिलाफत था जब किसका? यजीद बिन मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का खिलाफत में, यजीद के खिलाफत में। यजीद को इसका इलम नहीं था, वो तो बस हजरत हुसैन को समझाओ बोल के एक लश्कर भेजा था, लेकिन उस लश्कर में आके मिल गए थे ये चंद खवारिज, और वो हजरत अली से जिस तरह से नफरत करें उस तरह से उनके औलाद से भी नफरत करें, आखिरकार हजरत हसन को भी जहर देके आहिस्ता आहिस्ता मार डाले, इसी तरह से हजरत हुसैन को भी जो है शहीद कर डाले। लेकिन नाम किसके ऊपर आ गया? वहां से यजीद के लश्कर के तरफ से ना, उसके वास्ते यजीद बिन मुआविया के ऊपर ये वाकया चला गया। अब ये बात सुनने के बाद हम सुन्नियों को इस बात को सही मायने में हिस्ट्री समझना, ये जो लोग यजीद को दुश्मन समझकर ये वो बोलते हैं ना, उसके ताल्लुक से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खस्तंतिना में जो लोग जाएंगे जंग में वो लोग जन्नती हैं बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खस्तंतिना में जाने वाला यजीद भी था। खस्तंतिना की जंग में जाने वाला कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते आज
उसके ऊपर जंग पहले जो लश्कर जाता है उसके ऊपर जंग करने के लिए वो जन्नती होंगे बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह से यजीद भी वो लश्कर का हिस्सा था लेकिन वो अपने आमाल में थोड़े से कमी पेशियां थे। लेकिन आज हमें क्या करते हैं, हम सुन्निया भी क्या बोलते हैं, नहीं 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 यसुफ नहीं नहीं यजीद कराया सो यजीद होना बोल के लश्कर को भेज को हजरत हुसैन को शहीद कर डाला सो ये वो अनाप शनाप बचते। लेकिन हम अहले सुन्ना वल जमा साहबा के ऊपर ईमान रखने वाले तबाइन तबे तबाइन के ऊपर ईमान रखने वाले हमारा अकीदा कैसा रहना, जिस तरह से सलफ सालहीन का अकीदा था उसी तरह से था। हम ये नहीं तस्लीम करते कि यजीद ने कुछ भी नहीं किया, यजीद ने किया, लश्कर उसकी तरफ भेजना ही गलती थी लेकिन शहीद करने के ताल्लुक से उसका मंशा नहीं था बल्कि उनको समझा कर भेज डालने का उनका उसका मंशा था। लेकिन बीच में जो है राजकीय पॉलिटिक्स जम गए, पॉलिटिक्स जम के हो गए, आखिरकार वो चला गया। और बोलते ना यजीद बाद में जो है हजरत हुसैन के पूरे घर वालों को सताया, उनके घरा उजाड़ दिया बोल के, ये सब बिल्कुल बकवास है। सुन्नियों के हिसाब से, हम सुन्नियों के हिसाब से ये कोई भी अकायद जो भी हमें शिया से लेके आए ना, ये सब बकवास है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। यजीद था उसके अंदर खामियां थी क्योंकि वो ये सहाबी नहीं था ना, यजीद सहाबी नहीं था, बाद में आने वाला था, वो सहाबी के दौर में पैदा होने वाला था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिला था, लेकिन इसलिए इसके अंदर दीनी जज्बात उस तरह से नहीं थे जिस तरह से हमारे असहाबे किराम को थे। उल्मा लिखते हैं, बात मैं नहीं बोल रहा हूं, उल्मा खुद इस तरह से लिखते हैं। तो उसके अंदर खामियां थी, उसको है ना हुक्मरान बनना था, ऐसी की खामियां थी उसके अंदर, तो वो हमें उसको हमें टोकते मगर उसको इसका जिम्मेदार नहीं ठहराते। ये अहले सुन्ना वल जमा का ये हमारा अकीदा है, तुम इसे यजीद से कोई लेना देना नहीं है। हजरत हुसैन को मानने वाले हजरत अली को मानने वाले थे, हजरत अली को जिन्होंने शहीद किया, हजरत हसन को भी जहर दे के उनको शहीद किया, हजरत हुसैन को भी जहर दे के इनको शहीद किया। इस तरह से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु 21 रमजान को जो है शहीद कर दिए गए और उनका जनाजा नमाज हजरत हसन बिन अली, उनके बड़े बेटा हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज जनाजा पढ़ाए थे। और हजरत हसन खिसासन इब्न मुलजम जो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम जो हजरत अली पे वार करा था ना, एक ही वार में उसको खत्म कर डालते, कौन, हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। इस तरह से हजरत अली की जो है खिलाफत वहां पे खत्म हो गई और अभी 6 महीने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के बचे हैं। उस वक्त हजरत हसन को लोग जो है अमीर चुन लेते, ये यहाँ तक का मामला। हजरत अली के ताल्लुक से फितने बहुत ज्यादा आज भी फैले हैं, आज भी हजरत अली को खुदा मानते हैं, आज भी हजरत अली के खबर के अतराफ तवाफ करते हैं लोग, करबला के अंदर तवाफ करते हैं, हजरत अली की खबर को जो है बड़ा बड़ा मकाम मरतबा कहते हैं, समझ गए ना ये बात। इराक में हजरत अली, कूफा बोले तो आज का इराक, याद रखिए आज का इराक कूफा है, तो इराक में जो हजरत अली का खबर है उसके अतराफ है ना जो है तवाफ करते हैं लोग, क्या बोलते देखो बैतुल्ला की तवाफ, असल में मुसलमाना करना, लेकिन ये लोग जाके वहां पे तवाफ करते हैं। ये सब भी इनके बने बनाए अकीदे हैं हजरत अली के। हजरत अली इसको पहले से डरा डाले, खबरदार अगर ऐसा करने वाले हैं तो, बोल के पहले से डराए। बहरहाल हजरत अली का जो है ये मामला था। मैं इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ताकत और उम्र रखा तो मैं जरूर जंगे जमल और जंगे सिफीन के वजूहात और इसके रिजल्ट को भी मैं बोलने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा शहादत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह से नेक्स्ट संडे भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, बारिश नहीं हुआ तो इंशाल्लाह इस उनवान पे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मैं बस आपसे यही गुजारिश करता हूँ, लेक्चर मज़ा नहीं देता, याद रखिए, क्योंकि हम किसकी बात करते हैं, हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री गुजर गई ना उसको समझने की कोशिश करते हैं, और जो इख्तलाफात के जरिए से हमारे जो गुमराहकुन ईदा है ना, मुहर्रम का ईद है, यहाँ से मसला जुड़ के है, ये सब भी यहाँ से जुड़े हुए मसले, इसके वास्ते मैं एक एक टॉपिक लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो इंशाल्लाह ये मेरा लेक्चर यूट्यूब में भी अपलोड होगा 2 या 3 दिन में, अगरचे आपको इसके ऊपर कोई डाउट्स है तो इंशाल्लाह ताला आप यूट्यूब को भी जो है फिर दोहरा सकते हैं इंशाल्लाह ताला, वहाँ से आपको ये आज जो भी मैं डिस्कस करा वो इलम आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमें इख्तलाफात नहीं रहना, अबू बकर पहले खलीफा थे, हजरत उमर दूसरे खलीफा थे, हजरत उस्मान तीसरे खलीफा थे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चौथे खलीफा थे, हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 5वें खलीफा थे, ये 5ों खुलफाए राशिदीन में से थे। उसके बाद इमारत का मसला, मुमलिकत का मसला शुरू हो गया, जो आज भी सऊदी अरेबिया में वही मसला चलता है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको
कुरान सही हदीस ताबईन तबे ताबईन के हजरत के जिंदगी को समझकर इस्लाम पे अमल करना नसीब फरमाए। वो आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। بنور من فؤادي حينما رأى